लेकिन फिर भी रात को 2 बजे रीस्टार्ट टी स्टॉल के बाहर वो उसके साथ बैठी थी। At the restart tea stall. का हाथ पकड़कर मुझसे सहा नहीं गया। मतलब ब्रदर का मेंस क्लियर हुआ है। Hey. बहुत सही पार्टी कराया गौरी भैया, मजा आ गया, मजा बहुत। कांग्रेचुलेशन नवल भाई। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन स्टार। थैंक यू। बधाई हो नवल। थैंक्स। पर बाबू पार्टी वार्टी फाइनल सिलेक्शन के बाद ही देते तो बढ़िया था ना। मेंस के बाद तो हम भी कई बार पार्टी दे दिए थे। गौरी भैया नवल की टेंशन मत लो आप, वो कर लेगा, उसका सिलेक्शन पक्का है। पूछो क्यों, नवल की जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना। श्रद्धा बुरा मत मानना, कहने का मतलब है तुम दिल्ली में आके मनोज से नहीं मिलती। How dare you, dude? आज मनोज का He's drunk. अंडे अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम मुंह बंद रखो। तो बुरा क्या बोल रहे हम तो मनोज की भलाई की बात कर रहे। Bullshit. बेटा कुछ बन जाओ वरना छोड़ के चली जाएगी। वो गई ना हमें छोड़ के। पुतानिया Listen to him, man. मनोज 10-12 साल बाद जे लड़की तुझे मिलेगी और पूछेगी डियर मनोज व्हाट आर यू डूइंग, और तू बोलेगा कि आई एम वर्किंग इन आटा चक्की या टेम्पो चला रहा हूँ मैं मुरैना से लेके जोर्रा तक, वो तेरा जुगाड़ जो भी तू चला रहा है। हाँ ये टिकेगी तेरे साथ? ये हुए हो तुम होश में हो तुम। अरे हम पूरे होश में हैं, मैं इसको होश में डालना चाह रहा हूँ। Damn man. यूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई, 2 मिनट लगेगी इसको छोड़ते। सदा 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 सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। तुमने कहा था ना उस दिन कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू। मनोज आई लव यू। अब जाओ पलट दो दुनिया। He's running off. Oh, he said, I will. He said, watch me. Watch me. दीप सर मैं मनोज हूँ। मैंने तानिया के घर पे कॉफी दी थी, आपको लगा था कि मैं छोटू हूँ। मनोज यस सर। छोड़ो सर। क्या हुआ मनोज? सर आई नीड योर हेल्प। नॉट नाउ मनोज, आई एम वेरी सर प्लीज सर। सर आपने मुझे कहा था कि यू ओ मी सर प्लीज सर। 5 मिनट लूंगा। दिस 5 मिनट्स, व्हाट डू यू नीड फॉर 5 मिनट्स? अभी बैठिए ना प्लीज सर। प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ लेकिन मेंस नहीं निकल पाते। अब लास्ट अटेम्प्ट है सर। रट्टा मार के प्रीलिम्स कोई भी निकाल सकता है, यू जस्ट हैव टू चेक द राइट बॉक्स, बट मेंस सबके बस की बात नहीं होती। सर मैं कर लूंगा मैनेज। 3 hours 20 questions, that's 9 minutes to write an answer within 200 words, so you'll take 40 seconds to analyze, strategize, construct. Sir please aap thoda dheere bolenge please. I'm saying out of 9 minutes you'll take 40 seconds to analyze, giving you 8 minutes 20 seconds to actually write it within 200 words. Do you understand? Yes sir. 4,000 words per exam. That's 36,000 words, Manoj. तुम्हें सिर्फ लगता है तुम मैनेज कर लोगे? नहीं सर मैं कर लूंगा। प्रकाश जी सर, get me a pen and paper. Oh man, he's about to put you through it. He's about to put you through it. Now show me. सर चाय या कॉफी? सॉरी तुम्हारे पास 8 minutes 20 seconds है, write 200 words. What topic sir? What's your full name? Manoj Kumar Sharma. That's your topic. Sir, लेकिन ये तो बहुत आसान हो जाएगा. Your time starts now. You'll be able to do 200 words. Oh yeah, it's tough, huh? Oh, the pressure. Oh, the pressure. Come on, man, get it together. Deep is. जिस टॉपिक के बारे में तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है उस पे 80-90 शब्द नहीं लिख पाए। डैम हाउ ऑन अर्थ विल यू राइट 200 वर्ड्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस? आई डोंट मीन टू डिमीन यू, तेरे से नहीं होगा।
रेसन नहीं होगा अपना एसी कमरा से बाहर निकलो आटा चक्की पे दिन भर काम करो ना दीप मोहन और तब समझ गए होगा कि नहीं मनोज छोड़ क्या हुआ भैया ऐसे दिन भर ना चाय दुकान पे काम करते रहोगे आटा चक्की पे आटा पीसते रहोगे तो किसी जन्म में नहीं होगा तुम्हारा पर भैया काम तो करना है ना हमारा कमरा खाली करो इसका सारा सामान हमारे कमरा में शिफ्ट करो ठीक है क्या ऐसे चाय दुकान पे तुम्हारा ड्यूटी बंद हम देख लेंगे यहाँ पे नहीं गौरी भैया तुम इसके लिए तीन टाइम खाना बनाएगा इसका जरूरत का सारा काम देखेगा ठीक है अब तुम पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करेगा आटा हम घर पे पैसा भेज देंगे तुम्हारे नहीं 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 भैया ठीक है उधार है पहला तनखा मिलेगा तुमको दुगना दे देना नहीं भैया हम चला एक शब्द बोला तो यही गाड़ देंगे तुमको अब क्या समझ रहा है तुम है? कि सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है ये oh, man. सबका लड़ाई है एक एक का जीत होगा ना The whole herd wins. खड़ियों का जीत होगा Hell yeah. और अभी भी नहीं समझो सच में Oh shit. Oh. I don't know why. Oh, okay. Ooh, that almost got me. अभी कभी समझ सकते हो चलो तुम भी चलो अभी उस रात जिंदगी में पहली बार मनोज को पढ़ने के लिए एक टेबल मिली एक इलेक्ट्रिक स्टोव मिला और सोने के लिए एक बिस्तर मिला और अगली सुबह Excuse me, मनोज कुमार शर्मा यही रहते हैं मिली एक स्टॉप वॉच ये पापा ने मुझे दी थी इसका एक ही रूल है जब पढ़ने बैठो चला दो और जैसे ही उठो बंद कर दो नो चीटिंग एवरी डे 16 घंटे घड़ी चलनी चाहिए और 16 घंटे पढ़ाई कितने घंटे करेक्ट चलो शुरू करो ऑलराइट स्टार्ट जो मिला उसी वाओ किस्मत समझा ऑलराइट मैन ऑलराइट मैन श्रद्धा दीदी ने आपके लिए नोट्स भेजे और ये रहा आपका खाना कहा है कि इसको 8 मिनट और 20 सेकंड में खाना है क्यों ताकि खाने के साथ टाइमिंग भी आपके पेट में घुस जाए ब्रिलियंट मिला उसी को किस्मत समझा जान लगा के लड़ना बे हाय हाय लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मैं मसूरी जा रही हूँ क्यों अरे मेरे पीसीएस मेंस के लिए डेट जुलाई आ गया That makes me happy. Ganpati ko jaake bidi raat phir baazi le apne haath Manoj hey babu Manoj utho Shada ka phone aaya tha mains clear ho gaya hey all right माजी से भी बात हुई थी मनी ऑर्डर मिल गया खुश हो जी भैया थैंक यू भैया अरे दुगना लेंगे पहले तनख्वाह से जी भैया अलग जा ठीक है Dude, that level of studying is fucking brutal, man. Brutal. Good man. Oh yeah. Under the street lamp. Hello, Manoj. Mera interview clear ho gaya. Didi deputy collector ban gayi hai. Hey! मोटिवेशन थी अब उसकी इंस्पिरेशन भी बन गई नाइस मेंस एग्जाम में अपनी आंसर शीट के पन्ने ऐसे पलट रहा था जैसे दुनिया पलट रहा हूं और मैं अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी ओह डैम कौन पापा जी अच्छे डैम मैन इट्स सो हार्ड मैंने पूरी मेहनत की थी मैंने पूरी ईमानदारी के साथ दिया था एग्जाम पर इस बार हो नहीं पाया अब चिल्लाइए मत घंटा फर्क पड़ेगा नहीं यूपीएससी का यू नहीं आता था तेरे को रहने के लिए जगह मैंने दिए जो कपड़े पहने ना तूने मैंने दिए तुझे
मेरे बारे में पूछेगा तू? बाहर में जाकर तू है तेरी गर्लफ्रेंड, समझा? श्रद्धा को कुछ मत बोल पांडे, अगर इतनी हिम्मत है तो अपने बाप को बोल जो बोलना चाहता है। बाप पे मत जा, बाप पे मत जा, मनोज मनोज बाप पे मत जा। झंडे गाड़ दे तुमने। अभी तो अब नहीं, ऐसा नहीं है, तुम नहीं समझोगे, कौन समझेगा, करते हैं फोन थोड़ी देर में, ठीक है? हेलो What's happening here? आपने झूठ क्यों बोला उसे? What happened? Hello? Thank you, Shraddha. Sorry, थोड़ा लेट हो गई। कोई बात दिल्ली आ रही हूँ ना मेरे इंटरव्यू। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी मनोज। क्यों, क्या हुआ? किसी ने मेरे पापा को फोन करके कह दिया that I was sleeping with you in Delhi। ऐसा कौन कर सकता है श्रद्धा, और क्यों करेगा कोई ऐसा? क्या फर्क पड़ता है? What matters is कि पापा ने एक स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास कर लिया। श्रद्धा तुम अपने पापा से एक बार मेरी बात करा दो, मैं उनसे सब कुछ। तुम ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपने इंटरव्यू पे फोकस करो। What the fuck? Is it Pandit? Was he so jealous? हेलो पांडे, किधर है तू? ओए ओ, तेरे किसी दोस्त का फोन आ गया, आ जा भाई इसको जल्दी लेने। हेलो कौन बोल रहा है? अरे वो सब छोड़, जल्दी आ जा। किधर? मुखर्जी नगर थाने आ जा, बहुत संकट में है लौंडा। Oh Lord, what have you done? This drunken stupor. Manoj, bhai koi nahi aaya yaar, tu aa gaya. Kya naam hai tera? Manoj Kumar Sharma sir. Mera dost hai sir. Ka jo ye dost hai na, ye daru pee ke phone pe chilla ke gaaliyan de raha tha public mein. Gaali nahi de raha tha Manoj, papa ji se baat kar raha tha. Bol de nahi banda aaya usme. Chup karo. Nahi karni haram ki kamai. Are Pandey chup. Abe tune chup. Bas. बताइए क्या किया इसने? हाँ तो ये पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था, मैंने शांत होने को बोला तो मुझ पे ही चिल्ला पड़ा एक पुलिस वाले पर। आप पे हाथ उठाया इसने? उठा के तो देखे, कुटना दूंगा इसे। गाली दी? दंगा मचा रहा था लौंडा। किसी को मारा? मारने का वेट करता क्या मैं? So he's not really arrested. तो किसी किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करा आपने इसे? पब्लिक में चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, और क्या सेक्शन चाहिए? वो एक नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, आपने किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके अरेस्ट वारंट इशू किया इसका? ये पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करी है इसने। झूठ बोल रहा है। 3,000 रुपए भरा है, 2,000 फाइन और लगेगा। एविडेंस दिखाइए। एविडेंस दिखाइए। एक नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए बिना वारंट के अरेस्ट करना और प्रॉपर्टी डैमेज का बिना एविडेंस के फाइन लेना दोनों इलीगल है, पता ही होगा आपको। भाई फाइन तो लगेगा। ये जो तुम मांग रहे हैं ना, ये फाइन नहीं है, घूस है। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ के। अबे जब आन बहुत ज्यादा चला रहा है तो आन चलाना शुरू कहां की अब तक? चंबल का हूं, समझा? अबे एक आई विटनेस के सामने है ना तू। आज मेरा मेंस क्लियर हुआ है, 1 महीने में इंटरव्यू है, आईपीएस बन गया ना, पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंशन का। डैम सर, ये वार्निंग दे के छोड़ दे। 3,000 रुपए घूस भी खाई है इसने, वापस कर। खोलिए इसे। कमाल कर दिया यार तूने। Now punch him in the face. Now punch him in the face. Turn around. Punch him right in the face. Yep. Check who he called. Now punch him in the face. क्या है ये? तूने किया था ना फोन? क्या है ये? भाई गलती हो। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, समझा? Damn. समझा? तुम्हें मनोज को पापा की बात नहीं बतानी चाहिए थी बेटा। इन्हें सच में बुरा लगा। उन्होंने एक स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास कर लिया मम्मी, मुझे भी बहुत बुरा लगा। इतना भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? ऐसी बात नहीं बेटा, he trusts you. No mummy, he used to trust me.
Damn. You remember? मैंने इतना डरते डरते इनको बोला था कि मेडिकल बीच में छोड़ के सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ. सबने इनको मना किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक सेकंड में बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर, खुद छोड़ने आए, पूरा सेटल करा दिया. क्यों? Because he trusted me. But not anymore. Damn. I still trust you, beta. No, papa, you don't. मैं चाहूँ तो अभी उठ के दिल्ली जा सकती हूँ. I'm a deputy collector, I'm not a child anymore. मनोज की लाइफ का सबसे बड़ा दिन है. I want to be there for him. Like you two are there for each other. Uh-huh. Come on. लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी. Because I'll never break your trust, papa. Damn. Please, papa. Let her go, dude. What are you kidding? Come on. पहनना पड़ेगा टाई. भैया एक टाई पहन लेंगे उससे थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा. पहननी पड़ेगी. अरे श्रद्धा, इतनी प्यारी लग रही है. थैंक यू गौरी भैया. नो समझाओ इसको, हमसे तो नहीं सुन रहा है. डिप्टी कलेक्टर समझाएगी तो समझेगा. है बाल बाल भी कटवा देना. थैंक यू गौरी भैया. ओ यस, वी कैन डू दिस. आई वी कैन डू दिस. Wear the fucking tie. Yeah, and get a haircut, get a shave. Come on. मैं रात भर शराब पीता और दिन भर सोया रहता. Hey buddy. मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी किस मोड़ पे आ गई थी. मनोज वापस मेरी जिंदगी में आया. वाओ, लुक एट यू. अगर तू नहीं होता तो मैं यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाता. थैंक यू यार. वो तो बाहर खड़े होकर थैंक यू करेगा कि अंदर आया. अरे नहीं नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मेरा इंटरव्यू है. इंटरव्यू से पहले मिलने के लिए आया. या ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. हाय श्रद्धा. हाय. सॉरी यार, वो तुम्हारे पापा को फोन नहीं करना चाहिए था मुझे. अरे अगर तुम फोन नहीं करते ना तो पापा कभी नहीं कहते आई ट्रस्ट यू, जा दिल्ली. अच्छा हो गया. प्राइवेट टैक्सी बुक करी उन्होंने मेरे लिए. क्या बात कर रही हो, ये तो बहुत गजब कर दिया मैंने. वैसे झूठी बातें इतनी सच्चाई से बोलते हो तुम टीवी पे रिपोर्टर बन जाओ ना. That's what he wanted to do. मनोज टीवी पे. Yeah. Oh. Yeah, buddy. All right, man. Aisa lag raha hai. Manoj cleans up nice, dude. You got this. They're thode tight hain. Yeah. They're like that. Nahi hai na. Khul jayega. Got it. You got this. ये क्या है? नहीं, अकेले मत पढ़ना. Okay. Let's do this. Got it. You got it. You got this. From a small town all the way here. You made it. Let's do it. You didn't make it this far to fail here. No way. You got this. It was an intimidating shot. The way they did that was intimidating.
I feel like I'm here right now, and I'm very nervous. Much more nervous than I was expecting. Tohid Raza. You sit here waiting for your name to be called? It's terrifying. Let me go. Yeah, let me get it over with, man. Oh my god. Deep breaths, guys. Deep breaths. Alright, buddy. Alright, man. Manoj Bhaiya, let's go. Manoj Kumar Sharma. Bro. Manoj Kumar Sharma. Snap out of it. Yes, sir. Jesus. 12th mein drop year liya tha? Nahi sir, pehle saal fail ho gaya tha. Fuck you, man. Aise yahan kaam kar raha hu, sab janta hu. तेरा चेयरमैन डॉक्टर मेहता है, उसे हिंदी मीडियम वाले वैसे पसंद नहीं, इसलिए अंदर गलती से भी मत बोल दियो कि फेल हो गया था, बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। Won't lie. Will he? I don't think so. नमस्ते सर, नमस्ते मैम। Please sit. This is Mr. Manoj Kumar Sharma. He's from Belgaum, notorious for dacoits. Mr. Sharma has graduated in history and Hindi literature in the second division. He has a first division in class 10th and a third division in class 12. Surprising. And oh, aap 12th mein fail hue the. Mr. Sharma. Mr. Sharma. Ji sir, fail hua tha. अब फेल कैसे हुए? बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। हमारे गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। चीटिंग रोक दी? दिस इज फॉर रियल? राइट। थैंक यू फॉर योर टाइम। यू मे प्लीज लीव नाउ। जाइए आप। मनोज, दो मिनट वेट कीजिएगा बाहर। Two minute wait. Damn, bro. Damn. मनोज, तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी मनोज? ओह मैन, I know, I hate dress shoes, man. Digging into your heel, ugh. Sir, aapko andar bula rahe. Walking there with some swagger, maybe? Yes, please sit. Are you feeling okay? Achha lag raha hai. So tell me, आपने चीटिंग के बारे में क्यों बताया? आप झूठ भी बोल सकते थे। मेरा मन नहीं माना मैम कि एक चीटिंग छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं। फिर चीटिंग की ही क्यों? मैम पता ही नहीं था कि चीटिंग गलत बात है। हमारे यहाँ टीचर्स खुद करवाते हैं। गॉश, बट दैट्स रॉन्ग। यस मैम, वेरी रॉन्ग। तो अगले साल पास कैसे हुए? टीचर्स ने फिर से चीटिंग करवाई? जी मैम, और सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरह फर्स्ट डिवीजन आती। बड़ी जल्दी विचार बदल गया आपके। जल्दी कहाँ सर, 19-20 साल लग गए। अगर दुष्यंत सर नहीं मिलते तो विचार कभी बदलते ही नहीं। सबकी फर्स्ट डिवीजन आई और मेरी थर्ड, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था सर।
उस दिन समझ आया कि ईमानदारी की थर्ड डिवीजन बेईमानी के फर्स्ट डिवीजन. Yeah, fucking A right, dude. Teachers. Oh, that's appalling. I like that. मैम, हमारे प्रिंसिपल साहब इसे जमी जमाई व्यवस्था कहते हैं और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी. Why do you say that? क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं. इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज. मिस्टर मनोज, आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग चेंबर. विद सच प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स यू शुड एम फॉर करियर इन पॉलिटिक्स. प्रोवोकेटिव, इसका मतलब आप प्लीज हिंदी में समझा सकते हैं? आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते. आई डोंट थिंक यू फिट इन हियर. नो सर, आई डू फिट. रियली? यस सर. हाउ? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर. दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज फॉर यू टू कवर योर वीकनेस. नो सर. मिस्टर शर्मा, यू सेड यू फिट, नाउ कन्विंस मी यू फिट. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज? गो अहेड. नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है. डोंट वेस्ट आवर टाइम. पानी साफ है ना? यस सर. तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के. वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी. दैट्स जस्ट क्लेवर टॉक. वी हैव अ लॉट ऑफ आईआईएम एंड आईआईटी टॉपर्स. हम एक 12th फेल को क्यों सेलेक्ट करें? वो टॉपर जरूर हैं सर, पर उन्होंने वो सब नहीं देखा जो मैंने झेला है. और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि गांव के पूरे जिले में कहीं चीटिंग नहीं होगी, किसी का जुगाड़ वैध तरीके से जब्त नहीं किया जाएगा. आई विल डू बेटर देन देम सर. रियली? यस सर. यू रियली फील अ 12th फेल इज बेटर देन एन आईआईटी टॉपर? मे बी नॉट बेटर सर, बट आई एम मोर डिजर्विंग. हाउ कैन यू से दैट? आई थिंक यू आर डिल्यूजनल. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंसान सर एडमंड हिलरी थे, सबने उनका फोटो देखा है. लेकिन आंग्रीटा पहले शेरपा थे जिन्होंने एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ा था. मैंने उनकी फोटो देखी है सर, और मेरे विचार में उनका बिना सपोर्ट के चढ़ना ज्यादा बड़ी बात है. और मेरे यहां तक सर, yeah. बिना ऑक्सीजन सपोर्ट. नाइस. वो भी नंगे पैर. मिस्टर शर्मा, लेट मी टेल यू वन लास्ट थिंग. इफ सर एडमंड हिलरी हैड नॉट फाउंड द वे, योर शेरपा वुड हैव नेवर रीच्ड द पीक. I'm done with it. Anyone else? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम. और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं. लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? IPS बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है. अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी. और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे. और ये बात मुझे तब सूझी जब एक दिन नेहरू विहार की लाइट चली गई थी और मैं स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ रहा था कि इफ आई कैन नॉट बी द सन that lights up the earth, if I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. Good, be a lamp. You may go now. Get fucked, dude. Thank you, sir. Thank you, man. Thank you. Waste of time. Hey. Such arrogance. Oh. डेढ़ महीने बाद यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट के दिन श्रद्धा जबरदस्ती मनोज को खींच के ले आई. वो तो आना ही नहीं चाहता था. Yeah, but... का वेस्ट ऑफ टाइम अभी भी सुनाई दे रहा है. नहीं होगा. नहीं होगा तो साथ में आटा चक्की चला ले. सर, रिजल्ट कब निकलेगा? खाली नौकरी नहीं कर रखी मैडम मन्ने. नहीं पता मेरे को. कह रहे it's about to be a stampede.
कह देना भाग्य से तो मैं कल लौट आऊंगा। तुम देखाओ, मुझे पता है नहीं है। मनोज चलो प्लीज। तुम जाओ, सुनम से नहीं होगा। This music is very hopeful, though. I'm about to. This will get me. You've been very quiet. मिस्टर जी बात करने वाले लोग चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इस एग्जाम का फायदा ही नहीं। Oh. Oh yeah, man. Oh shit. Yeah, man. टूटे हुए तारों से फूटे बासंत। Oh shit. सब पीले पात कोयल की कूक रात। He got him the uniform, man. देख पाता गीत नया गाता हूँ। गीत नया गाता। Breaking news. A 12th pair. A toilet sweeper. Arre, and my friend is an IPS topper, Manoj Kumar Sharma. And I'm Pritham Pandya reporting live for the first time. Mero IPS ban gaya. Arre, mera Manoj IPS. Mero Manoj IPS ban gaya. Mero Manoj IPS ban gaya. Arre, check kar liye. IPS ban gaya. Hey Manoj. IPS. Yeah. Yeah, man. Yeah. बन गो तो? जी पापा बन गए हो? चल तो। कहाँ जा रहे हो? उस चौहान से बोलने कि उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा। अरे कहाँ चले गए पापा? चौहान को बोलने कि उसने आईपीएस के बाप से पंगा लो। बस बोलने ऑटी साइड से पड़े हो जस्ट बाइट। मिस्टर मनोज कुमार शर्मा, आज आप सबको बताना चाहेंगे कि आपने कोचिंग कहाँ से ली है। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं मैम, कि क्या ये बड़े बड़े स्टार लोग वही तम्बाकू खाते हैं जो तुम्हें बेचते हैं? तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। अरे तो कोई बात नहीं है, दोबारा रीस्टार्ट 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 रीस्टार्ट। ये रहा तेरे रिजल्ट का आईपीएस। मेरी शादी का पहला इनविटेशन सर। थैंक यू। आपने मुझे पहचाना नहीं सर, मैं वही लड़का हूं जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी। शिट, मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। ओह सर, जुगाड़ वाला। यस सर। सर शाबाश सर, शाबाश। तो भैया ये है चंबल। हाँ, वही डाकुओं वाला। Notorious for bandits. फिलगांव। और आप ये जो झिलमिलाती हुई रोशनी देख रहे हैं ना, ये है मनोज की बारात जो जा रही है मसूरी। देश हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों।
Oh man. All right. Get it together. Holy shit. Oh, I was not okay. Wow. Okay. Wow. I don't even know what to say. I feel, oh my God, look at my eyes, man. Wow. I was not, sorry. I just rubbed my eyes raw. I was not ready for quite how attached I had gotten throughout that movie. I wasn't aware that I had gotten that attached, to Manoj and his struggle. Like, I was thoroughly enjoying the movie and I was 100% in his corner and I was enjoying all the characters. I love Shraddha. Pandit is we all have a friend who gets too drunk and does stupid shit and you have to forgive him once in a while. And that was, man, I didn't realize how attached I had gotten to everybody and how much I wanted him to make his mom proud and his dad proud. Oh, okay. It hasn't been long enough. I haven't given myself a second to really compose myself. That was really good. That was a really well done movie. I thought the sound design is one of the first things that sticks out to me. There was, whether it was the music or the acoustics, like in the environmental sounds, I found myself constantly focusing on what my ears were telling me. There was so much to be heard. I thought that was really amazing. The cinematography was beautiful. I remember thinking that to myself a few times, and I didn't want to say it and interrupt the scenes, but some of the shots were just really well done. Never too much, right? Like never really like ostentatious or anything, just really well done, tight shots, really beautiful landscape. I mean, it was nice to see Manoj, the actor. I wish I knew his name. I'll look it up. But the actor who played Manoj is, of course, Bablu from Mirzapur, and I was a huge fan of Bablu, and it was great to see him again. He did a phenomenal job. His smile is so infectious. It had me grinning like a fool the entire movie. Just he's one of those smiles. He smiles and you want to smile back, right? And he brings that to the role in such an authentic and charismatic way. I thought Shraddha was just great, and she's gorgeous, and her singing voice that she sang there for a little bit was beautiful. Man, him working in the flour mill, like I gotta say, like I didn't realize how attached I had become, but his struggle and his insistence on following the right way of doing things and busting his ass and not taking no for an answer and restarting and guys, thank you for recommending this movie. This was a hell of a ride. I'm going to enjoy editing this one. I feel like I'm really going to come to appreciate this movie even more through the edit. And, I can't thank you guys enough for putting me onto this, for patiently waiting for me to edit it because it's going to take me forever. Yeah, thank you to my patrons who make this possible for me to take the time and really focus on and make the best edits I can and react to these awesome things that you guys want to see me watch, so that we can hang out together. It's really cool. Thank you all for being here. I hope I see y'all again soon.